रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, दूसरी शादी करके आ गई वो। देखते हैं अभी अंदर, अभी तो फिलहाल आपने अंदर जाने नहीं दिया मुझे। थैंक यू। हाँ 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 आ रहा। ऑब्वियसली हमारी सबसे छोटी सी फ्रेंड अब फाइनली मैरिड है, सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड एंड ऑफ कोर्स वी विश हर ऑल द बेस्ट। अनफॉर्चुनेटली हुसैन इज नॉट हियर टुडे, सो या वी आर एक्चुअली मैंने सिर्फ उनका मदद किया था टू गेट रेडी, लेकिन बाकी सब अरेंजमेंट्स उन्होंने खुद किया है, अभिनव ने किया है एंड कीर्ति ने किया है। वी जस्ट हेल्प्ड हर एंड वी डिड अ नाइस डांस फॉर हर, अ लिटिल क्यूट लिटिल डांस एंड स्किट, सो या वी जस्ट केप्ट हर हैप्पी। शिमला में बहुत सारी मेमोरीज थी, स्पेशली लुकिंग एट हर एज अ ब्राइड, शी लुक ब्यूटिफुल गॉर्जियस एज शी ऑलवेज डज and oh yeah, we played a lot with the monkeys. See, thank you. I really don't want to take names actually. It's Roberto Cavalli that we've picked up from Milan, and I'm missing Hussein because he's the one who got it for me, so ये मेरा पुराना भाई है भाई। देखिए मेरे छोटे भाई संजय दत्त की लाइफ पर आधारित पिक्चर संजू कल सुबह रिलीज हो रही है। मैंने ट्वीट किया, मैंने वादा किया फर्स्ट डे फर्स्ट शो वो पिक्चर देखने जाऊंगा, फर्स्ट टिकट। अगर संजय दत्त की पिक्चर में जैसे लिखा है वन मैन मैनी लाइफ्स, बहुत सारी लाइफ जो उसने जी हैं उसका मैं एक हिस्सा हूँ, पॉजिटिव हिस्सा हूँ। लोगों का ये कहना है कि जो विक्की कौशल ने उसमें रोल किया है वो मेरे ऊपर आधारित है। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट इवनिंग है क्योंकि कल सुबह ये हो रहा है। उसके साथ साथ मेरे साथ ये जो दो प्रोड्यूसर्स फाइनेंसर्स थिएटर ओनर खड़े हैं, वेव के चेयरमैन राजू चड्ढा जी, जिनकी पिक्चर जो कि संजय दत्त जिसका हीरो है साहेब बेबी एंड गैंगस्टर 3, उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है। तो ये पूरा हफ्ता, अगला पूरा महीना मेरे दोस्त मेरे भाई संजय दत्त की क्या कहते हैं संजय दत्त की ग्लोरी में है। क्योंकि आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अहम बात है कि एक लड़का फिल्म कलाकार, एक इतने बढ़िया इतने शानदार पेरेंट्स का बेटा बच्चा सुनील दत्त साहब नरगिस दत्त जी उनका बेटा, उसकी जीवनी पर ये फिल्म बनी है और उसके राइट उसी हफ्ते में उसकी दूसरी फिल्म साहेब बीबी एंड गैंगस्टर, जो राजू जी वेव के चेयरमैन, राहुल मित्रा जी जो फिल्म के प्रोड्यूसर, इन्होंने बनाई है। Tonight is an exciting night and tonight is a night for my friend and my brother Sanjay Dutt. Ek bhi sawal pucha to mere aadmi pakad lenge tumko. Abe jhinge. Kya wish karna chahte ho?
तो आज अब रुबीना और अभिनव की शादी हो चुकी है एंड रुबीना जब मेरी शादी पे आई थी उसने खूब धमाल किया था एंड आई डोंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं उसकी शादी पे पागलों की तरह नाचूं. मैं वैसे भी वेट करती हूँ कि कोई शादी करे और मैं नाचूं. इनफैक्ट मैं अपने भाई बहनों को भी ये बोलती रहती हूँ कि यार इस सीज़न में गाने बहुत अच्छे हैं, शादी कर लो. सो आई एम वेरी हैप्पी कि अच्छे सीज़न के गानों में, अच्छे गानों के सीज़न में उन्होंने शादी कर ली. थैंक यू. मैंने एक्चुअली तैयारी तो काफ़ी की थी. मैंने तैयारी की थी 29th के हिसाब से. आई वॉज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज जब मेरे फ्रेंड ने मुझे फ़ोन करा. मैं तो को आज शाम को 7 बजे पे करा. आई सेड आज कल की रिजर्वेशन इज लाइक नहीं आज की है. तो मैं घर गई, अपना सूटकेस खोला, ये मॉम ने मुझे साड़ी भेजी थी, ऐसे अब तो यही पहननी पड़ेगी ना, वोर दिस एंड आई केम. तो तैयारी काफ़ी काम नहीं आई. नो टिप्स रियली. आई थिंक रुबीना एंड अभिनव आर इन लव विद ईच अदर. और मैं होप और प्रे करती हूँ कि आप हर सुबह जब उठें आप एक दूसरे के साथ और ज़्यादा प्यार में पड़ जाएं, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग्स ऑफ लाइफ. एंड यू नो बींग टुगेदर, बींग ईच अदर सपोर्ट सिस्टम, इतना ही प्यार बरकरार रखिए, प्यार बढ़ता जाए. एंड लॉट्स ऑफ लव एंड गुड विशेस फ्रॉम मी एंड रवि. अरे यार उन्होंने एक्चुअली मेरे घर से बहुत करीब शिमला में शादी करी और फिर भी हम जा नहीं पाए. बट थैंकफुली वी कैन बी हियर फॉर योर रिसेप्शन एंड वी आर रियली सॉरी फॉर द वेडिंग. बट अब अंदर जाके एंजॉय करेंगे. रवि शूट करे है सबसे स्मार्ट कॉन के लिए. और क्योंकि अब आपने मुझे पूछ लिया इसलिए मैं पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट भी कर देती हूँ. देखिए सबसे स्मार्ट कॉन स्टार प्लस पे शाम को 6:30 बजे. पार्टी बहुत अच्छी होने वाली है. अगर इनमें से किसी ने मुझे अंदर जाने दिया जो मैं 45 मिनट से नहीं गई हूँ, तो पार्टी और भी अच्छी हो सकती है. एंड आई कांट वेट टू बी इनसाइड.